अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो कुव्वत बा के लिए है, ना मर्दी के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं रही, बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हैं, उनको चाहिए कि अपना इलाज करें और ये नुस्खा उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो इंसान समझते हैं कि हम नामर्द हो चुके हैं, बहुत से ऐसे अफराद हैं, मर्द हजरात हैं जो नहीं हुए होते, जिनका इलाज मुमकिन होता है, लेकिन वो अपने आप को इस सब से निकाल कर अपने आप को लाइलाज करार देते हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देने लगा हूँ कि आप अगर अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो करवाएं, अगर नहीं करवाना चाहते तो उससे पहले आप घर पर तजर्बा करने के लिए मैं आपको छोटा सा अमल बता रहा हूँ। ये अमल क्या है कि आप अपने वज़ू पे ठंडा पानी डाल के देखें। अगर ठंडा पानी डालने के बाद आपके वज़ू में सुखड़पन आता है तो समझ लें कि आप इलाज के काबिल हैं, फिर आप अपना इलाज हर सूरत में करवाएं। अगर ठंडा पानी डालने के बाद किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नहीं होती तो वो बंदा कभी भी उस बंदे का इलाज हो ही नहीं सकता, चाहे वो सोना खा ले, हीरा खा ले, कुछ भी खा ले, उस बंदे का इलाज मुमकिन ही नहीं है। तो आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है जो नामर्द को भी शेर बनाता है। इस नुस्खे को बनाना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि हर बंदा ही इसे बना सके। नुस्खा क्या है तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद चिड़े। हमें चाहिए होंगे 2 अदद चिड़े हमने लेने हैं। आपने क्या करना है, चिड़ों को लेना है और चिड़ों को आपने हलाल करके इनके ऊपर से खाल वगैरह उतार देनी है। आपने खाल को उतारने के बाद, ठीक है, आप इसका पेट चाक करें और इसके अंदर से तमाम तर अलाइश निकाल के आपने फेंक देनी है। इसको साफ़ कर लें, धो लें। इसको धोने के बाद आप इन्हें खुश्क करें। अब तरियाक आपको चाहिए होगा, तरियाक आपने खालिस लेना है 1 तोला। अब दोनों चिड़ों में आपने आधा आधा तोला जो है वो तरियाक भरकर इनको सलाई कर देना है। उसके बाद आपने करना है कि माश की दाल लेनी है, उसको पीस लें, माश की दाल को उसका आटा बना लें, आटा बना के उसको गूंदें और दोनों चिड़ों के ऊपर आपने उनको लेप कर देना है, ठीक है, आटा चढ़ा देना है उसका। आटा चढ़ाने के बाद आपने ये करना है कि 1 पाव आपने खालिस देसी घी लेना है, गाय के दूध का बना हुआ खालिस देसी घी लें आप, ठीक है, उसमें आप इन चिड़ों को भून लें, अच्छी तरह से भुनें, लेकिन ख्याल रहे कि चिड़े जलने ना पाएं। जब चिड़े अच्छी तरह से इसमें भुन जाएं तो आप चिड़ों को निकाल लें, निकालने के बाद ऊपर से आटे को उतार लें। आटे को उतारने के बाद चिड़ों को हड्डियों के समेत कूट कर आपने इसकी गोलियाँ बना लेनी है, चने के बराबर आपने इसकी गोलियाँ बनानी है। सिर्फ 7 खुराकें, मैं कहता हूँ सिर्फ 7 खुराकें आप इसकी खा लें, 7 खुराकें ही काफ़ी हैं। ऐसा मर्द जिसको इंतशार आता ही नहीं है, उसका इंतशार टूटेगा ही नहीं। शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। इस नुस्खे को बनाएं, अगर आप इसको बना सकते हैं बासानी तो बनाएं, अगर नहीं बना सकते तो इसको बना बनाया हमसे मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।